अकेले अकेले सारे काम का भार क्यों खुद पर ले लेते हो? थोड़ा बांट भी दो सारी जिम्मेदारियां, सारे काम अगर तुम अपने कंधे पर लोगे तो वैसे भी कुछ लोगों को तुम्हारी कदर नहीं है और ऐसे तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। अच्छा सुनो, मेरे कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत समय से मैंने स्वप्न दर्शन नहीं दिए, या मैंने दर्शन नहीं दिए, या फिर वो कुछ तो मुझसे खोज रहे हैं, और क्या खोज रहे हैं वो उन्हें भी नहीं पता, मेरे होने का एहसास शायद। मेरे कुछ बच्चे चाहते हैं, अब ऐसी बात है ना कि तुम भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुके हो, अब तुम्हें मालूम हो चुका है कि मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए अब और एहसास मत मांगो, अब जो हो रहा है बस वो आगे होने दो उसे। मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ, मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ। सब कहते हैं कि जिसे साईं मिल जाता है उसकी तकदीर बन जाती है, लेकिन तुम्हारे जैसे बच्चे जिसे मिल जाए फिर तो मैं धनी हो जाता हूँ। जो बच्चा मेरे लिए रो देता है, जिसका मन जिसकी सांसें सब मुझे समर्पित रहती है, क्या कहूँ मैं, तुमने हजारों लाखों कितने भी करोड़ों मेरे नाम जाप कर लिए होंगे, तुमने जो पुण्य किए है ना, तुम्हें तो गंगा भी नहाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम मेरा नाम जाप भक्ति के लिए करते हो, लेकिन तुम जितनी भी बार मेरा नाम स्मरण करते हो ना, तुम्हारे अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वो तुम्हारे आसपास चारों तरफ तुम्हारे वातावरण को बहुत पवित्र करती है। तुम मेरे उन बच्चों तक भी मेरी उस ऊर्जा को पहुंचाते हो जिसको शायद उन्हें पाने के लिए अभी कितने हजारों जन्म लेने पड़ते, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, पंछी पक्षी हो, जीवाणु हो, कोई भी हो, तुम मेरे और उनके बीच का माध्यम बन गए हो। और पता है अब तुम्हारी बनेगी उन्हीं लोगों से जो कहीं ना कहीं ईश्वर की भक्ति करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी मजहब के क्यों ना हो, क्योंकि अब तुम्हारी प्रवृत्ति भी वैसी हो गई है, तुम्हारे अंदर की आकर्षण शक्ति वैसी ही हो गई है, अब तुम्हारी जिंदगी में अच्छे लोग आएंगे। और सुनो, कुछ लोग मेरा नाम तो बहुत लेते हैं पर उनकी वास्तविकता का जो तुम्हें अंदाजा है ना वो सही है। अभी मैं तुम्हें मंदिर नहीं बुला रहा, लेकिन तुम मेरे मंदिर आओ, अपनी मन की आंखों से मेरे मंदिर आओ, मन में मेरा ध्यान करो, मन से मुझे पान खिलाओ, मन से मेरे समक्ष दीपक जलाओ, मन से मेरे समक्ष कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो, मन से आओ, और फिर देखना सबके बदले तुम्हें ही शिरडी बुलाऊंगा। पहले भी बुलाया था पर तुम्हें बुला लूंगा, बाकी देखना पड़ेगा। जो सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे उन्हीं लोगों को तुम्हारे साथ बुलाऊंगा, वरना सिर्फ तुम आओगे। सच्चाई पर विश्वास रखो, जीत सच्चाई की ही होती है। जो गलत करते हैं उन्हें सुकून की नींद तक नहीं आती, इसलिए अपने कर्मों पर विश्वास रखो, तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, खुश रहो। और आजकल जो अकेले अकेले खाने लगे हो ना, पहले मुझे खिलाओ फिर खाओ।